टालीगंज अनुमंडल के अंतर्गत रानी तालाब क्षेत्र में पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब अपराध की योजना बना रहे तीन अपराधियों को हथियार के साथ रानी तालाब थाना क्षेत्र के काब गांव के बागीचे से पटना पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तीनों में से एक अपराधी नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है, जो पटना ग्रामीण क्षेत्रों में कई घटनाओं में शूटर के रूप में अंजाम दे चुका है। तीनों अपराधियों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। स्वर्णा के साथ आनंद मोहन की रिपोर्ट। देखिए दिनांक 16/12/20 को 16 दिसंबर को रानी तालाब थाना अंतर्गत सरैया में पूर्व पैक्स अध्यक्ष मनोज सिंह के पिता मदन सिंह को अपराधियों द्वारा गोली मारकर जख्मी किया गया। कांड संख्या 272/20 रानी तालाब में दर्ज कर और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उसके बाद दिनांक 26/12/20 को उद्भेदन के लिए जो गठित की गई थी पुलिस टीम, उसके द्वारा उस घटना में गोलीबारी करने वाले तीन अपराधियों को घटना में प्रयुक्त हथियार, जिंदा कारतूस और वाहनों के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से, वाहनों की बरामदगी से और जो हथियार है उनकी बरामदगी से और अनुसंधान से स्पष्ट हुआ कि रानी तालाब में जो इस घटना के सूत्रधार जो थे वही पूर्व मुखिया संजय वर्मा दुल्हीन बाजार हत्याकांड के भी सूत्रधार थे। इस घटना में जो एक वाहन की बरामदगी हुई है वो वहाँ पूर्व मुखिया के हत्या में भी वही वाहन प्रयुक्त किया गया है जो इस घटना में बरामद किया गया है। तो इसके बाद इस घटना में जो वाहन बरामद हुआ है वो वाहन का स्वामी दुल्हीन बाजार हत्याकांड के मुख्य आरोपी उस वाहन का स्वामी है। तो दोनों घटनाओं के सूत्रधारकों ने दोनों घटनाओं में सहयोग दिया है और दोनों घटनाओं को कारित किया है। इसमें से कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और शेष की गिरफ्तारी जारी है। टीम के द्वारा तुरंत उनकी भी गिरफ्तारी की गोलीबारी क्या रीज़न क्या था ये? देखिए जो गोलीबारी अनुसंधान में जो स्पष्ट हुआ है जो गोलीबारी का कारण था कि वो बेसिकली अपराधी मदन सिंह के बेटे पूर्व पैक्स अध्यक्ष मनोज सिंह की हत्या करने के लिए आए थे और उनके हत्या का कारण भूमि विवाद और आपसी भूमि विवाद में वर्चस्व दखल के लिए वर्चस्व। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।